बहुत ज्यादा तनाव का टाइम है सबके लिए। ऐसे में हम लोग जो हैं थोड़ा बुरा बुरा बोलते हैं, अगर तेज बोल दें, जोर से गाली टाइप का वर्ड यूज कर लें तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, और अपने को भी लगता है या तो आप बहुत रजिस्टर्ड क्राइम मेंटेलिटी या उसके मास्टर हो कि आप वो बहुत सारा गंदा किसी को बोल के अपशब्द यूज करके आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसा बहुत कम लोग हो, 2-4% होते हैं। तो यहाँ हम जब से आए हैं तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बच्चों के माहौल में हैं, दो कोर वर्ड्स बहुत यूज हो रहे हैं, स्टर एंड स्ट्रेस। मीन्स कि बहुत तनाव हो रहा है क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा मेल भेज रहा है, या वो हमको ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहा है कि हम अपसेट हो रहे हैं। तो फिर इसमें जो सिखाया जाता है, जो बड़े लोग, जो समझदार लोग, जो मेंटल इश्यूज पे काम करते हैं, और मुझे भी मेंटल इश्यूज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने शुरू से बीमारियां और दवाइयां, डिप्रेशन, सुसाइड बहुत ज़्यादा देखा। तो जब आप फर्स्ट हैंड देखते हैं और कैसे वो ठीक हो रहा है और कैसे वो अपना शरीर खत्म करने का काम कर रहा है, जैसे ससुराल साइड में बहुत सारा शराब का कल्चर था, और इधर शराब नहीं था लेकिन फीमेल का बहुत ज़्यादा। तो अब आपके सामने क्या डिवाइस है कि आप कैसे इससे बचे कि अपने नेगेटिव ना हो, दूसरे को जला कटा। तो इंडिया में ज्यादातर जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, तो वो क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकते, नौकरी वो तो उनको बहुत गंदा बोलते हैं, जो कि वो आप एक फोर्थ क्लास, अपने से परफेक्शन नहीं मिल पा रहा है, एक फोर्थ क्लास से हम परफेक्शन चाह रहे हैं, जो नीडी है, जिसको हम डांटेंगे या मारेंगे या फंसा देंगे या गायब भी कर देंगे, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर इंडिया में जैसे कि क्राइम छुप जाता है, बड़ी बड़ी गलत चीजें छुपी रहती हैं, तो उससे आप तो जान रहे हैं, तो उससे आपका हार्म हुआ, या आप बहुत स्ट्रांग उस बेंट के हो कि आप इनसेंसिटिव हो चुके हैं। अब नॉर्मली लोग नहीं होते इतने इनसेंसिटिव, तो आपको रास्ता निकालना है कि ना हम नौकर से गंदा बोलें, या हम अपने हेल्पर से या दोस्त से या जो हमारे साथ रह रहा है उससे गंदा भी ना बोलें, और खुश भी रहें, बीमार भी ना रहें। और ये पिछले 5 साल में जैसे लोग हमको अच्छा देखने के लिए आते थे और कहते थे, तो जैसे हिंदी में कहते हैं भिगा के जूता मारना, अब देखिए बड़ी योगा वाली थी आपकी ये हालत है, कोई पीछे से कहता था बचेंगी थोड़ी, अब कैंसर हुआ है, और हम लोग को कहा गया था कि कैंसर वर्ड या कोई भारी बीमारी है बुरी बुरी, तो उसका बार बार रिपीटेशन करने से वो आप इसको इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ही कहती थी कि सब्जी नहीं धुलोगे तो कैंसर होगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स की वाइफ्स को कैंसर था मुरादाबाद में। तो वो शब्द आपको नहीं यूज करना है, आपको वो क्रिया करके, कि वो एनर्जी है, एंगर एनर्जी है, जो तंत्रा कहता है, विज्ञान भैरव तंत्रा, और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने दो किताबें, हठ योग प्रदीपिका मुक्ति बोधानंद की, और ये तेरा जो बुक है विटनेस गॉटेज, जो आपको समझ आए। आपको अपने बेस्ट में रहना है, इंडिविजुअल सोसाइटी है, बहुत सारे मोबाइल ने सबको फ्री कर दिया है, बहुत कम पैसे में फ्री स्टाइल, टिकटॉक पे कुछ भी करिए, और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। अब आपको क्या खाना है, क्या सोचना है, कैसे बोलना है, ये सारी ट्रेनिंग आपका जो आईक्यू है उसको बढ़ाते हुए, या तो आप नीचे ले जाएंगे जैसा ज्यादातर लोग कर रहे हैं कि उसको मार दूंगा, मरने से पहले एक एक मर्डर करूंगा, उसकी सजा भी उतनी ही होगी, तो हम 20 को करके जाएंगे, ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट है। उसके बीच का भी एक है कि हमारी लाइफ में ठीक है, हमको नहीं बहुत पैसा रहा और हम देखने में भी एवरेज थे, लेकिन आपका इसमें कोई योगदान नहीं था, आपको इसमें अच्छा निकालना है, और इसको हाथ को ऐसे से करने में, या मेरा पेट अच्छा रहे हमको बेल खाने में या सत्तू खाने में या गेहूं उबाल के खाने में, या कुछ जो मेरे सामने जो सिचुएशन है उससे हम बहुत अच्छी तरह कैसे निकलें, और सबसे ज्यादा नुकसान हम अपना करते हैं वो ना करें, और खुश अगर नहीं रहेंगे तो फिर बहुत ट्रेजिक रिजल्ट्स आएंगे, या हम बहुत ड्रिंक करेंगे, या हम बहुत मसाला खाएंगे, या हम बहुत घी का मटरी, क्योंकि घी जो है वो नकली वाला है, लार्ड, एक आप लार्ड को गूगल करिएगा, वो आइसक्रीम में है, और वो जो टेस्टी खाना बाजार में बहुत अच्छा सजा के आता है, वो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री। तो हर चीज को इंडस्ट्री की तरह लीजिए, और लेटेस्ट अपडेटेड रहिए, और 3-4 दिन बहुत ज्यादा 2-3 डिग्री टेम्परेचर में मरण जैसा था। ये पूरा हम अपने यूपी के लिए बना रहे हैं,
इंडिया के लिए, हिंदी बेल्ट के लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हिंदी वाला ज्यादा ना करे, क्योंकि हिंदी में तो यूपी में सब आदमी योगा गुरु है, तो हम अपने अपनी मार्केट को बाहर करें, क्योंकि बहुत सीरियस बीमारी पेपर पे टिक हुई है। तो आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैंने ब्रायनिया लिया पानी में डाल के, और बैद जी का कैलकेरिया फास, डॉक्टर निधि अग्रवाल पूना से कांटेक्ट करके, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पेशेंट्स हैं परेशानी में हैं, और पता नहीं कैसे मैं ठीक हो जाती हूँ, और हमारे दोस्त मेरे से ज़्यादा एबल पोजीशन में हैं, ज़्यादा शार्प हैं, और उनका 50-60 लाख रुपया के साथ साथ जिंदगी भी चली जाती है, और यहाँ मैं जो हूँ बेटी कहती है कथड़ी गुदड़ी, और जो नाराज हो जाती है कि आप जो हैं फटा पहनती हैं, बट रियली इट्स मिरेकुलस रिकवरी एंड आई एम सो मोटिवेटेड बिकॉज यू अप्रिशिएट मी, यू जस्ट एडमायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। फेक योगा गुरु डॉक्टर चित्रा, सारी डिग्री फेक है और सारा रहना वहना फेक है, ये बच्चे और हस्बैंड ज़्यादातर, तो हस्बैंड बताएंगे कि सब झूठ है, तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोलती है, इसको कुछ नहीं आता, इसको सब मैंने कराया है। मैंने कहा जी, लेकिन अब जिंदगी जी रहे, मरे नहीं तो क्या करें। ये लोग कहते हैं आप चिप्स क्यों खाती हैं, मैं चिप्स खाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, आपका बॉडी सिम्टम देगा कि लिटमस पेपर यहाँ है, आपको क्या पसंद है। कल वीडियो में मैंने फटा वाला घर का पहना था, मैंने सोचा क्या आएगा, कोई आएगा, और इतना प्यार से अल्लाह भगवान सारे सबको ऐसे बच्चे दे, ये लड़की और दामाद जो है बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ठीक होकर नाच रही हूँ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। और सारी गॉड का जो लास्ट और शुरू होता है ना, वेलकम, सब एक ही है, सब वर्ड्स का खेल है, या आप चाहिए कि आइए जी प्यार से, इट इज मेनली योर इनर इमोशन। और वीडियो खत्म नहीं हुआ, पूरा कायदे से जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुतों को ठीक देखना चाह रही हूँ कि मेरे से अच्छा काफी लोग कर भी रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, और सारी गुड विशेस, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए जितना आपके हाथ में है, और बहुत बड़ा सपना मत बनाइए, एम्बिशन बहुत बड़ी फेंकने से बहुत दुख होता है, और अपने को अपने से कंपेयर करना है, और किसी की बात को नहीं पकड़ना है, स्ट्रेस बस्टर भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, कैसे कोई आपको स्ट्रेस दे देगा। सिस्टर शिवानी कह रही हैं कि वो आपकी जर्नी पे इतने सारे बाबा सदगुरु और रविशंकर जी और योगानंद जी कह गए लिख गए हैं, और हम लोग इंडिया में तो बड़ा सारा बाबा लोगों का बड़ा कृपा है, तो आप सबको पढ़ के फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करके दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, देसी वाला मत छोड़िएगा, वंदना शिवा का, गांव का, ज्वार बाजरा, बिहार का देसी आटी बाटी, एकदम ठेठ देहाती भोजपुरी पकड़े रहिएगा, उसको मत अंग्रेजियत में बदलिएगा। मैं बाहर से अंग्रेजी वाला हो गई हूँ, अंदर से पूरा देहाती पकड़ी हूँ, दैट इज द मिरेकल। लव यू।